हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है द मोस्ट फेमस हॉन्टेड डॉल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो पहली डॉल है उसका नाम है एनाबेले। एनाबेले की स्टोरी तो आप सबने कॉन्जरिंग से देखी ही होगी। ये 1970 की बात है जब दो नर्स एंजी एंड डोना को ये एनाबेले डॉल मिली थी और ये इसे उनके घर पे ही रखते थे। पर उन्होंने कुछ मूवमेंट महसूस किया कि ये डॉल मूवमेंट करती है और उनको हमेशा चिट्ठी के द्वारा कुछ संदेश देती है। तो उनको ये चीज़ बहुत ही अजीब लगी, तो उन्होंने एड और लॉरेन वॉरेन से कांटेक्ट किया। और उनके कांटेक्ट के बाद एड एंड लॉरेन वॉरेन ने इसे अपने अकल्ट म्यूजियम में हमेशा के लिए रख दिया। और अभी 2020 में एक अफवाह उड़ी थी कि एनाबेले डॉल एस्केप हो गई है, तो ये रूमर्स बहुत ही ज़्यादा फैला था। तभी वॉरेन के सन ने एक पिक्चर पोस्ट कर जिसके अंदर उसने ये बताया कि एनाबेले डॉल सुरक्षित है। और जो अब अगली डॉल है उसका नाम है ओकीकू। ओकीकू एक ऐसी डॉल थी जिसके हेयर्स ऑटोमेटिकली बढ़ते रहते थे और अपने आप ही कट हो जाते थे। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि एक जापानीज युवक ने अपनी सिस्टर को सरप्राइज देने के लिए 1918 में, तो उन्होंने ये एक डॉल खरीदी थी। तो उस डॉल खरीदने के बाद हुआ क्या था? तो असल बात ये थी कि जब उन्होंने डॉल अपनी सिस्टर को दिया तो उनकी सिस्टर बहुत ही अलग अलग फ्लू के कारण उनकी मौत हो गई थी और फैमिलीज को सपने में उस डॉल के ही सपने आ रहे थे, जो कभी बड़ी हो रही है तो कभी छोटी हो रही है। पर असल में जब उन्होंने देखा तो उनके हेयर्स अपने आप ही बढ़ के अपने आप ही कट गए थे, तो उनको ये बहुत ही अजीब लगा। तो आखिर में 1938 में उन्होंने ये डॉल टेम्पल में रखवा दी, जो आज भी वहाँ संरक्षित है। उस टेम्पल का नाम है ओकीकू टेम्पल। और जो अगली डॉल है उसका नाम है लिली। लिली 1800 शताब्दी में इसको बनाया गया था और ये जर्मनी में बनी थी। और जो इसके हेयर थे वो रियल ह्यूमन हेयर थे। और ये डॉल जिसके पास से मिली वो एक एंटीक डीलर थी। जब से उसने ये डॉल ली थी तो उसको बहुत ही बुरे सपने आ रहे थे, तो उसने अपनी शॉप पे इसे सेल करने के लिए रख दिया था। और जब एक छोटी लड़की उनके शॉप पर आई तो उस लड़की ने इस डॉल के साथ 3 घंटे तक बात करी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों फेलो चाइल्ड ही है। और फिर छोटी लड़की ने जो उसको बताया वो बहुत ही भयानक था। उस लड़की ने उस डॉल के साथ बात करने के बाद ये बताया कि ये जो डॉल में जिसकी आत्मा है उसके साथ बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे वायलेंस हुआ था, इस कारण से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली तो इस डॉल में आके बस गई। और तब से ये डॉल जर्मनी के म्यूज़ियम में ही रखी हुई है, चाहो तो आप जाके वहाँ पर देख सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर ख़त्म होता है पार्ट 1। तो मैं अगले पार्ट की जल्द ही वीडियो डालूँगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सी डॉल सबसे भयानक लगी।